अच्छा, सेकेंडली कन्वर्जेंस इज बहुत बेहतर है इसकी। कन्वर्जेंस क्यों बेहतर है कि इट डज नॉट यूज एनी होल्ड डाउन टाइमर्स। ठीक है, आपको पता है कि जब कोई चीज लिंक अनअवेलेबल होता है तो होल्ड डाउन टाइमर स्टार्ट कर देता है। ठीक है, कि इस सर्टन टाइम के बाद मैं दोबारा चेक करूंगा कि अवेलेबल हुआ है कि नहीं हुआ। फिर आफ्टर सर्टन अटेम्प्ट्स, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, वो फिर उसको डिस्कार्ड कर देता है, अपनी नेबर की लिस्ट से खत्म कर देता है। ठीक है, तो लेकिन ये सब बेसिकली क्यू प्रोसेस क्या क्रिएट करता है, डिले क्रिएट करता है। ठीक है, EIGRP इस प्रोसेस को इन्वॉल्व नहीं करता, होल्ड डाउन टाइमर्स को इन्वॉल्व नहीं करता। तो जाहिर सी बात है वो जितने भी सेकंड्स का होल्ड डाउन टाइमर होता है वो नेगेटिव हो गया, माइनस हो गया, EIGRP के केस में वो है ही नहीं, तो फॉरन कन्वर्ट हो जाता है। अगर ये लिंक डाउन हो गया तो फॉरन बैकअप लिंक पे शिफ्ट हो जाएगा विदाउट एनी डिले। ठीक है, वो टेस्ट नहीं करेगा बार बार थोड़ी देर बाद कि मैं आफ्टर 20 सेकंड्स या जो भी उसका टाइमर है चेक करूं, अगेन आफ्टर 20 सेकंड मैं चेक करूं। ठीक है, इस लिंक को ये वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दोबारा मैं चेक करूं। ठीक है, ये जी अभी ऐसा नहीं करेगा। अगर ये लिंक उसको फर्स्ट टाइम में ही अगर अवेलेबल ना हुआ तो वो क्या करेगा, फॉरन इस पर शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर बैकअप पाथ पे, अपने अल्टरनेट पाथ पे फॉरन शिफ्ट हो जाएगा। इंस्टेंट लूप रीट्रांसफर अचीव थ्रू सिस्टम रूट, मैंने आपको बताया ड्यूल का एल्गोरिथम वर्क कर रहा है तो वो मेक श्योर करते हैं कि कोई लूप्स ना है, तो वो तो ड्यूल इसको खुद ही मेक श्योर कर लेगा। इसमें ज्यादा हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है।